हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपने सुना होगा भारत में कोल क्राइसिस चल रहा है। नाउ व्हाट इज दिस कोल क्राइसिस ऑल अबाउट, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, अब उसके पीछे क्या कारण है और आज इंडिया क्या करेगा उसके लिए और ये प्रॉब्लम कब तक खत्म होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं नितिन परमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। दोस्तों, हमारे इन मॉड्यूल्स को अगर आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड टेल टू लास्ट नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। दोस्तों, ठीक है, आपने देखा होगा दैट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बताया दैट देर आर 25 पावर प्लांट्स जिसके पास 7 दिन से कम चलने वाला इनसे कोल है। ये अक्टूबर 3 का रिपोर्ट था, आज अखबार में आया कि 2 दिन चलने वाला रिपोर्ट है, मतलब 2 दिन चलेगा कोल, उतना ही अवेलेबल है। ये सुनो, ठीक है, देर आर 64 नॉन पीटेड थर्मल पावर प्लांट विच हैड लेस देन 4 डेज ऑफ स्टॉक फॉर द ड्राई फ्यूल। दिस इज ह्यूज, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और डेटा। ओवरऑल टोटल स्टॉक ऑफ यू कैन से 78 लाख टन ऑफ कोल इज अवेलेबल एट 135 प्लांट्स, दैट वाज सफिशिएंट ओनली फॉर 4 डेज, ठीक है। हालांकि डेली कोल रिक्वायरमेंट फॉर 135 पावर प्लांट इज 18,24,000 टन। ओके, सो दैट मीन्स द नेक्स्ट फ्यू डेज are going to be very challenging. Coal shortages are not only in India, okay, it is there everywhere, okay. China is struggling hard, वहाँ पे energy crisis है, तो हमारे यहाँ पे इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, हम एक unprecedented power crisis में अगले कुछ दिन जाने वाले हैं, ये सुनो, ठीक है, क्या होने वाला है। इंडिया में करीबन 135 थर्मल पावर प्लांट है जिसकी वजह से आज आप ये YouTube पे वीडियो भी देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है ना भैया, ये सुनो, उसके बगैर तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, एनीवे, सो वी आर एट क्रिटिकली लो पॉइंट। इंडिया में 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द यूसेज ऑफ कोल, कोल के द्वारा ये बनाई जाती है एंड देयर बाई इट इज थ्रेटनिंग आवर इकोनॉमी। दोस्तों, पैंडेमिक लॉकडाउन के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो गाड़ी है उसको पटरी पे लगाए, पर ये पटरी से डीरेल करने के लिए कोल इज क्रिएटिंग ट्रबल। क्यों भैया, कोल की परेशानी क्यों हो रही है वो देखते हैं, पर ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हर काम के लिए। सीमेंट बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कार बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है भाई। मिल्क चाहिए आपको, पेस्चराइज करना है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पढ़ाई करनी है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर एंड उसके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए 70% वी आर डिपेंडेंट ऑन यू कैन से कोल। दोस्तों, कोल के ऊपर हम डिपेंडेंट तो है, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली ये आंसर आना चाहिए कि सर क्या बात कर रहे हो, 70% अगर कोल में है तो एक काम करते ना, वी विल कन्वर्ट दैट इनटू लेट्स से ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, चलो सब कुछ रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलिए सब कुछ हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रांस में 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत में 70% से ज्यादा थर्मल होता है, ठीक है। तो भैया ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं पर उसके अपने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल के ऊपर हम शिफ्ट हो गए। रिन्यूएबल पे शिफ्ट होने से क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो रिन्यूएबल से इलेक्ट्रिसिटी लेती है वो कंपनियां बड़े रिस्क पे है कि जब एनवायरमेंट को कुछ बड़ा नुकसान हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये एक स्टेबल नहीं है बिजनेस, इसमें लंबे इन्वेस्टमेंट डालना इज वेरी रिस्की इन दिस सिनेरियो, ठीक है। दोस्तों, ये क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, क्राइसिस एक दिन में नहीं आता है, समझ लीजिए, कभी भी कोई भी क्राइसिस की बात करें वो एक दिन में नहीं आता है, ठीक है। ये काफी समय से चल रहा था, ठीक है। इंडिया लॉकडाउन खत्म हुआ, इकोनॉमी पेस पकड़ने लगी, ये सुनो, तो धीरे 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 लोगों का पावर का डिमांड बढ़ने लगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है किसको क्राइसिस की तरीके से मत देखो, कोल शॉर्टेज इज नॉट अ क्राइसिस, इट्स अ गुड साइन बिकॉज इकोनॉमी इज गोइंग अप इन अ गुड वे। चलिए,
अच्छी बात है, ठीक है. पावर कंजम्पशन इन द लास्ट टू मंथ्स हैज जंप्ड बाय 17%, विच इज ह्यूज, ठीक है. और उसी के साथ साथ दोस्तों हुआ ये कि सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी पेस पकड़ रही है, ऐसा थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पेस पकड़ रही है. ये सुनो, तो कोल की डिमांड सबके पास पड़ेगी, कोल की डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ने लगा, प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 40%. अब प्राइसेस इतने सारे बढ़ गए तो इंडिया ने इंपोर्ट करना कम किया, इंडिया ने इंपोर्ट करना कम किया तो हम डिपेंड किसके ऊपर रहे, हमारे डोमेस्टिक कोल सप्लाई के ऊपर. हमारा जो डोमेस्टिक कोल सप्लाई है उसके ऊपर प्रेशर आ गया और जिसकी वजह से कोल की शॉर्टेज हो गई, ठीक है. दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल, ठीक है, इन द वर्ल्ड, एंड इट इज फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड. इंडिया में सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हम चौथे नंबर पे कोल रिजर्व के मामले में, हमारे पास चौथे नंबर का कोल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का. उसके सामने हम इंपोर्ट भी ज्यादा करवाते हैं, क्यों, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी एनर्जी की डिमांड ज्यादा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है, तो हमको तो चाहिए भैया, ठीक है. सो पावर प्लांट्स आर हैविली रिलाइंग ऑन इंपोर्ट्स आर नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडियन कोल, एंड इंडियन कोल इज, यू कैन से, नॉट इजीली अवेलेबल, एंड देयर बाय देयर इज अ प्रॉब्लम. तो आप सोचेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या करें, दो मिनट रुक जाइए, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. पहले ये समझते हैं कि ये जो क्राइसिस है उसका इंपैक्ट क्या है. दोस्तों पहले भी कोल के शॉर्टेज होते थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोल के शॉर्टेज हुए, ठीक है. दिस इज वेरी कॉमन, सबको समझ में आता होगा कि भैया काफी सालों से देश चल रहा है, ठीक है, काफी सालों से कोल के ऊपर हम थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं तो कभी ना कभी तो शॉर्टेज आया होगा. शॉर्टेज पास्ट में आया था पर इस बार थोड़ा सा नया है. क्या नया है? कोल का शॉर्टेज और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज्यादा. ये सुनो, दिस आर टू यूनिक थिंग्स आर कनेक्टेड, जिसकी वजह से, समझिएगा, जिसकी वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आने वाला है वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर आने वाला है, वो है कि हर चीजों के भाव बढ़ने वाले हैं. क्यों भैया? कोल का भाव बढ़ गया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ेगा तो उसके ऊपर दूसरा जो इंपैक्ट है इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट. तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बहुत बड़ी बड़ी बनने वाली है. सो देयर विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन थ्रू दिस इज इश्यू ऑफ कोल शॉर्टेज, ठीक है. अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो आने वाला नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हम उसको ओवरकम करेंगे. ये चलने वाला है 5-6 महीना चलेगा, विच मीन्स अगले कुछ दिन, ठीक है, आपको चीजें महंगी मिलने वाली है, ठीक है. आपका दूध महंगा होगा, ठीक है, आपका ट्रैवलिंग महंगा होगा, ये सुनो, आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल महंगे होंगे या घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कम हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है. दोस्तों इट इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया, ठीक है. वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन कोल, ठीक है. ये उसका सॉल्यूशन है क्या? ये अब डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं. दोस्तों यही देख रहे हैं हम कि भाई क्या हमारे पास इजी रास्ता है कि हम कोल से रिन्यूएबल में शिफ्ट हो जाए, कोल से न्यूक्लियर पावर प्लांट में शिफ्ट हो जाए. भैया देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में शिफ्ट होना हमारे पास ऑप्शन नहीं है. क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि हमारे पास आसानी से सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर का सप्लाई मिलता नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी, ठीक है. ब्लेम चाइना फॉर दिस, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर है नहीं तो हमको आसानी से न्यूक्लियर इजीली मिलता नहीं है. तो भैया न्यूक्लियर का पावर प्लांट बनाना पॉसिबल नहीं है, और बना भी दे, ठीक है, तो हम कहां कहां पे बनाते हैं? कुडनकुलम, वहां पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हल्ला करेंगे कि भाई हमको नहीं चाहिए, है ना, ठीक है. लोग प्रोटेस्ट करें वो तो अलग बात है, पर सरकार को बनाना भी ऐसी जगह चाहिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर बनाना चाहिए जो सरकार कर नहीं पाती है, ठीक है. अब बात करते हैं रिन्यूएबल पे चलते हैं, सोलर, विंड, है ना, ये सब अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, अच्छी बात है, कर पाएंगे, ठीक है, ओके. पर क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर रेडी फॉर मैनी रिस्क एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंट, ठीक है. भैया सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को हम एक्सपोज कर देंगे कि अब तुम रिलाई करोगे एनवायरमेंट के ऊपर. भाई
कृषि प्रधान देश था हमारा 1947 से, ठीक है, हमने 1990 तक देखा कि भैया हम मतलब जो फार्मर्स है वो बेचारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, एक साल अच्छा गया एक साल बुरा गया, ठीक है, ऐसे बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? बिजनेस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी पावर, ये सुनो तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो ये एक सही तरीका नहीं है। सो वी कांट इमीडिएटली शिफ्ट 200% रिन्यूएबल, वी हैव टू सम ऑर द अदर वे फोकस ऑन दिस इश्यू ऑफ कोल। अभी कोल का सप्लाई इज अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, ठीक है। अब सरकार ने कुछ नए नए सॉल्यूशन लाए हैं, हम बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, कोल को स्टोर करना, कोल को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लेके जाना, कॉस्टली अफेयर है भाई, ठीक है। क्यों कॉस्टली अफेयर है? क्योंकि वो वजनदार चीज है, हैवी है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आज मैंने यहां से ईमेल डाला कि भैया कितना कोल चाहिए, 10 मिलियन, टिक 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 टक 10 मिलियन, ऐसा थोड़ी होने वाला है। सो लॉजिस्टिक्स इज अनदर इश्यू, इट इज कॉस्टली अफेयर। सो द पॉइंट इज कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई मानसून खत्म होगा, विंटर चालू होगा, सो जनरली पावर की डिमांड फॉल होगी, ठीक है। और हम ये जो मिसमैच है डिमांड सप्लाई को, वो अगले 3-4 महीनों में जल्दी से ओवरकम कर पाएंगे। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाउएवर दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। हमने शुरुआत में बोला कि चाइना भी फंसा हुआ है, ठीक है। अगर गैस के प्राइसेस इगेन से डिप हुए आज, सो लोग ज्यादातर गैस में शिफ्ट हो जाएंगे, सो ये डायनेमिक सिचुएशन है, बराबर है। सो द पॉइंट इज अब इंडिया के लिए सॉल्यूशन क्या है? इंडिया के लिए सॉल्यूशन है कि जो कैप्टिव माइंस है, कोल की कैप्टिव माइंस, वहां से कोल निकालो और थर्मल पावर प्लांट को दो। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैप्टिव इनसे माइंस क्या होती है? दोस्तों मैं लेट्स से एक लेट्स से सीमेंट का प्लांट डाल के बैठा हूं, बड़ा सा मेरा सीमेंट का प्लांट है, मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, ये सुनो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि जहां पे कोल अवेलेबल है मैं उसके बिल्कुल बाजू में ही मेरा सीमेंट का प्लांट डालता हूं, और वहीं जो कोल की माइन है वहां से मैं कोल लेता रहता हूं, और वो कोल माइंस, ठीक है, जो भी है उसका लाइसेंस मैं लूंगा और वो कोल मैं ही यूज करूंगा, उसको मैं मार्केट में बेचूंगा नहीं, ठीक है। सरकार भी यही बोलती है कि भाई आप कैप्टिव माइंस का लाइसेंस ले लो, ठीक है। अब बात यह है, सरकार ने उनको ऑर्डर किया है कि भैया तुम्हारे पास जो कैप्टिव माइंस है ना, वहां से कोल निकालो और लोगों को दो। याद करिए, ठीक है, भारत में सेकेंड वेव जब आया था कोरोना का, ठीक है, तब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर कमी थी, ये सुनो। तो हमने क्या बोला था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कि भाई आप कुछ भी ऑक्सीजन बनाते हो, पूरा का पूरा ऑक्सीजन आप दोगे किसको? हॉस्पिटल्स को दोगे, ये सर नो, ये देखा था आपने। तो ये वापस एक और क्राइसिस आया है, ठीक है, ओके। सो दोस्तों इस क्राइसिस के लिए क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने इमीडिएटली सॉल्यूशन लाया दैट वी आर अमेंडिंग रूल्स दैट अलाउ 50% सेल ऑफ कोल फ्रॉम कैप्टिव माइंस। कैप्टिव माइंस में से जो प्रोडक्शन होता है उसमें से 50% कोल विल बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। ये करीबन 100 कैप्टिव से कोल माइंस, ठीक है, को मदद करेगा, विच विल ब्रिंग अगेन से 500 मिलियन टन्स पर एनम। अगर हम इतना गणित लगाए तो इतना बड़ा नंबर का बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज अमेंडेड दिस मिनरल कंसेशन रूल्स 1960, ठीक है, ये लीगली उन्होंने चेंज किया बाय दिस लॉ सेइंग दैट कि बाय अलाउिंग सेल ऑफ कोल और लिग्नाइट ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट, ठीक है। दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम को आयरन आउट करने के लिए ये काम किया। दोस्तों इसके पहले ही साल की शुरुआत में ही माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, जिसने इस बात को अमेंड किया था कि यस कैप्टिव माइंस को कभी बाहर बेचने की जरूरत पड़े सो दे कैन डू दैट, ओके। सो दोस्तों ये कैप्टिव माइंस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर वाली नहीं है, पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी भी इसको बेच पाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट बोलती है कि वी आर गोइंग टू रिलीज एडिशनल कोल इन द मार्केट बाय ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनिंग कैपेसिटीज, ठीक है। और दोस्तों ये वही है जो जिसका प्रोडक्शन लिमिटेड है, ठीक है, पर बहुत सारा कोल अभी पड़ा है तो फटाफट निकालो और मार्केट में बेचो ताकि शॉर्टेज को हम टेम्पररी कवर कर पाए,
ये सुनो, ये जो अभी पावर प्लांट के ऊपर प्रेशर है वो एकदम इज आउट करेगा और इंपोर्ट करने का जो अभी चैलेंज आ रहा है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो लोगों ने कैप्टिव माइंस लीज करके रखी है वो बोलेंगे कि चलो एक और कमाई का रास्ता डेवलप हुआ कि हम 50% जो हमारा कोल है वो ज़्यादा दाम पे बेच पाएंगे, ये सुनो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार के पास भी रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा ना भैया, ये सुनो। सो दोस्तों, सरकार बोलती है ये कोई एनर्जी क्राइसिस जो आप बोल रहे हो ना वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी ट्रैक पे है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, दुखी नहीं हो। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज अ गुड आइडिया दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बट उसके साथ आर वी रियली रेडी टू आयरन आउट द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन द प्राइसेस ऑफ यू कैन से गुड्स, यू कैन से है ना, बाई रिड्यूसिंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, हम ये कर पाएंगे, ठीक है, बस यही देखने की बात है। आई बिलीव दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू, आपको ये समझ में आया होगा कि कोल शॉर्टेज का ओरिजिन क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।